नहीं यार, आज मैं घर पे नहीं हूं। अरे यार, आज जो ऑफिस में हुआ ना, मैं उससे बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसलिए आज मैं घर नहीं जा पाया। तू जानता ही है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यार, ये कंपनी ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, मुझे नौकरी से भी बाहर निकाल दिया, और बॉस ने भी। और तो और, बॉस ने मुझ पे पुलिस केस करने की धमकी भी दी है। अगर मेरे ऊपर पुलिस का केस हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं? ऐसे तो यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चल ठीक है, फोन काट दिया फिर। हेलो सीमा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन क्यों काट रही हो तुम मेरा बार बार? अच्छा, और सुनाओ कैसी हो सीमा? हाँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ, तुम प्लीज आ जाओ ना, शायद तुम्हारे साथ कुछ बात करके मेरा मूड ठीक हो जाए। क्या बोलूं मैं तुम्हें? सीमा, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो झूठा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। नहीं सीमा, सच में मैंने कुछ नहीं किया, अब तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? हाँ सीमा, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो सीमा, हेलो सूरज, क्या करें यार, अब कैसे काम चलाएं? लड़की को भेज यार,
अबे और नहीं तो क्या करूं, दिमाग खराब हुआ हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जल्दी भेजिए यार लड़की को। यार क्या सोचूं उसके बारे में, अभी नहीं होने वाली शादी। बस यार तू लड़की भेज जल्दी से। हाँ वही मेरे वाले फ्लैट में भेज रहा हूँ, समझ रहा ना तू जो लड़की आएगी। जल्दी भेज यार जल्दी। हेलो, हाँ बुलाया था। लेडलूर कुछ नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए, जहाँ मर्जी से लेके आओ, मैंने कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी भेजो लड़की। लेडलूर कुछ नहीं चलेगा, लेट रूट कुछ नहीं चलेगा, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार? जल्दी भेजो लड़की जल्दी, मस्त आइटम भेजने का, समझा? मस्त आइटम। चाचा जी, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। खाना ले लीजिए। Gracias.